You know what? Left hand is the root cause of all the problems that you're facing in your two hands coordination. ठीक है? और इसी left hand को आज master करने के लिए ऐसे कुछ magic exercises, ऐसे कुछ special exercises लेके आया हूँ, जो कि आपके left hand को बहुत ज़्यादा fluent बना देगी. Start करते हैं. Let's drift into music. हेलो एवरीवन, आई एम यश कुडावाला, प्रोफेशनल पियानिस्ट, कंटेंट क्रिएटर एंड आपका पियानो कोच. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज से. देखो, नोट्स मैं आपको एक एक करके बताऊंगा. बहुत ही सिंपल नोट्स है, दिखने में सिंपल है लेकिन प्रैक्टिस करने में थोड़े से चैलेंजिंग है. ठीक है, लेकिन इस चैलेंज को ओवरकम करके एक बार अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया और मास्टर कर लिया इन एक्सरसाइज को, इसके बाद आपके टू हैंड्स कोऑर्डिनेशन की जो भी प्रॉब्लम्स है उसे आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो कम होते जा रहे हैं. राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एक्सरसाइज. फर्स्ट एक्सरसाइज की नोट्स है ए जी डी एफ सी ए डी एफ. याद रखना मुश्किल है, राइट? सिंपल से टेक्निक बताता हूँ. स्टार्ट करिए ई नोट से. इतना याद रखना है, सिर्फ एक चीज याद रखनी है, उसके बाद कुछ भी याद नहीं रखना है. स्टार्ट विद द ई नोट, एक नोट छोड़ के आगे आइए. इतना याद रख सकते हैं. अब ए से जो चीज की गई वो चीज सेम चीज डी से करेंगे. डी प्ले किया, मतलब इसके पीछे वाले नोट से करेंगे. एक नोट छोड़ के एफ कर दिया, ये भी याद रख सकते हैं. स्टार्ट करना है ए से, एक नोट छोड़ के आगे. अब पीछे जाइए, एक नोट छोड़ के आगे. अब और पीछे जाइए, एक नोट छोड़ के आगे. यहाँ पे एक नोट छोड़ के आगे. एंड देन अब आगे आइए और एक नोट छोड़ के अगेन आगे. सो दिस इज हाउ वी फॉर्म द ग्रुप्स. नाउ कम्स द नेक्स्ट पार्ट व्हिच हैज टू बी मेक श्योर व्हाइल प्रैक्टिसिंग दिस एक्सरसाइज. बहुत सिंपल है. अब नोट्स तो याद कर ली, लेकिन अब उसे कौन सी फिंगर्स से करना है, क्योंकि लेफ्ट हैंड से प्ले कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड से ऑब्वियसली एक्सरसाइज को प्ले करने वाले, लेकिन कौन सी फिंगर्स, क्योंकि सारे फिंगर्स को इक्वली डेवलप करना बहुत जरूरी है. इसीलिए विल स्टार्ट विद द, हम देखो यहाँ पे सी से स्टार्ट करके पांच उंगलियां यहाँ पे रख देंगे और उंगली होगी 1 2 3 4 5. विल स्टार्ट विद द 3 1 4 2 5 3 4 2 3 1 4 2 5 3 4 2. अब यहां तक कर लिया, ये एक ग्रुप बन गया, इतना याद रखिए. ठीक है, एक ग्रुप में भी हमने तीन ग्रुप बनाए, सॉरी एक्जेक्टली चार ग्रुप बनाए, 1 2 3 4. अब ये पूरा चार का बन गया एक ग्रुप, 4 का एक ग्रुप बन गया. अब इसी एक्सरसाइज को ए से स्टार्ट करने के बाद अब एफ से करिए. अब एफ से एफ प्ले करिए, एक नोट छोड़ के आगे आइए, फिर एफ के पीछे जाइए, एक नोट छोड़ के आगे आइए, फिर और एक नोट पीछे जाइए, एक नोट छोड़ के आगे आइए, एंड देन एक नोट आगे, एक नोट छोड़ के यहाँ पर. अब ए से कर लिया, एफ से कर लिया, अब आगे जी से करेंगे. जी प्ले करिए, एक नोट छोड़ के आगे आइए, फिर जी के बाद पीछे जाइए एक नोट, एक नोट छोड़ के आगे आइए, फिर और एक नोट पीछे जाइए, एक नोट छोड़ के आगे आइए. और आप तीन बार, दो बार पीछे जा चुके इसलिए एक बार आगे आएंगे, एक नोट छोड़ के आगे. अब जी से करने के बाद ए से, उसके बाद बी सी डी ई, जहां से शुरू किए थे ए उसी में खत्म करेंगे लेकिन नेक्स्ट ऑक्टेव में. ऑलराइट, सो दिस इज हाउ द होल एक्सरसाइज शुड साउंड. और इसको ध्यान से देखिए और ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपका भी जो लेसन है वो ऐसा ही साउंड करना चाहिए. ऑलराइट, सो लेट्स गो. क्लियर, ऐसे प्रैक्टिस करना है. अब इसके साथ साथ आप मेट्रोनोम को भी ऐड कर सकते हो. मेट्रोनोम क्या करेगा, आपका जो मेट्रोनोम आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो उसको वो रिदम में लेके आएगा और रिदम में आने के बाद आपको पता चलेगा कि आप एक स्पीड में बजा रहे हो या नहीं बजा रहे हो. क्योंकि एक स्पीड में जब आप बजा लोगे तब आप मान सकते हो कि आप सही जा रहे हो, क्योंकि ऐसे तो कोई भी कर सकता है. फिर 2 सेकेंड सोचा, फिर और 2 सेकेंड सोचा, ऐसे तो कोई भी कर सकता है, राइट? लेकिन जस्ट बिकॉज वी आर प्रैक्टिसिंग एंड वी आर मास्टरिंग द लेफ्ट हैंड, इसलिए मेट्रोनोम के साथ ऐड करना बहुत जरूरी है. मेट्रोनोम बहुत आसान है, एक एक काउंट पे
प्रैक्टिस करिए, आप एक स्पीड में प्रैक्टिस करेंगे. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. ऑलराइट, सो नेक्स्ट एक्सरसाइज के भी नोट्स इसी तरीके से होंगे, एक पूरा ग्रुप सीखेंगे, उसके बाद उसी ग्रुप को आगे से रिपीट करते रहना, लेकिन वो ग्रुप को याद कराने की जिम्मेदारी मेरी, ठीक है. और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेक श्योर यू डू दैट, राइट. सो अब आते हैं, हम शुरुआत करेंगे जी से. जी प्ले करेंगे, उसके बाद डी प्ले करेंगे, फिर एफ प्ले करेंगे, उसके बाद अगेन डी प्ले करेंगे, फिर सी प्ले करेंगे, देन आगे आएंगे एफ पे, उसके बाद ई एंड जी. मुझे बताए ऐसे याद नहीं रहने वाला. लेट्स अंडरस्टैंड विद द टेक्निक. जी प्ले करेंगे, दो नोट को स्किप करके एक नोट और प्ले करेंगे, फिर जी से प्ले किया, वही सेम चीज़ एफ से करेंगे, लेकिन जो यहाँ पे हमने नोट प्ले किया उसको वैसा ही रहने देंगे. जी पे प्ले किया, दो नोट छोड़ दिए और डी प्ले किया. अब जी का एक नोट पीछे आ गए, एफ किया और डी किया, अब डी से एक नोट पीछे जाएंगे. पहले क्या किया था, जी और डी किया, उसके बाद जी से एक नोट पीछे आए, एफ और डी किया, अब डी से एक नोट पीछे जाएंगे, सी और एफ करेंगे. जी और डी किया, फिर एफ और डी किया, फिर ये जो डी हमने प्ले किया जो कांस्टेंट था पिछले दो बार, अब उसको चेंज करके पीछे सी पे लेके जाएंगे और यहाँ पर ये एफ को कांस्टेंट रहने देंगे. एंड देन विल मूव टू द थर्ड नोट, 1 2 3, या फिर आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि सी जो नोट यहाँ पर प्ले किया उससे दो नोट आ गया ये, या फिर जो लास्ट नोट प्ले किया उससे एक नोट पीछे जाइए. बेटर क्या रहेगा कि आपने सी और एफ प्ले किया, उसके बाद एक नोट पीछे जाइए और एक नोट छोड़ के आगे आइए. थोड़ा सा 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन बिलीव मी आई एम डैम कॉन्फिडेंट कि एक बार 10 मिनट प्रैक्टिस कर ले उसके बाद ये डिफिकल्ट नहीं लगने वाला है. बिकॉज दिस इज वॉट वी आर डूइंग विद दिस एक्सरसाइज, वी आर ब्रेकिंग द पैटर्न्स. ठीक है, हमारे दिमाग में छोड़ो हमारे हाथ में जो जंक लग गया है उस जंक को साफ करेंगे, उसके बाद टू एंड कोऑर्डिनेशन आरपीजीएस एंड ब्यूटीफुल दोनों से प्ले करेंगे. इस जंक को साफ करने के लिए थोड़ा सा अपने दिमाग के ऊपर भी थोड़ा सा जोर देना पड़ेगा. ऑलराइट, जी प्ले किया और डी प्ले किया, फिर एफ प्ले किया, फिर अगेन डी प्ले किया, देन डी से पीछे गए, सी प्ले किया, एफ प्ले किया, अब यहाँ से पीछे आए एक नोट छोड़ के आगे, अगेन जी, दो नोट छोड़ के पीछे, फिर एफ, देन अगेन वही नोट, फिर अब डी से एक नोट पीछे जाएंगे, दो नोट छोड़ के आगे आएंगे और यहाँ से एक नोट पीछे और एस. अब आते हैं इसकी फिंगर पोजिशन से. मुझे पता है कि आप एक बार जैसे मैंने समझा दिया और आप प्ले करोगे तो प्ले नहीं होगा, ठीक है, मुझे पता है, राइट. लेकिन इस वीडियो को पॉज करके थोड़ा प्रैक्टिस करिए, अपने दिमाग में नोट्स को याद कर लीजिए, उसके बाद फिंगर पोजिशन पे आओगे तो और ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे, राइट. नाउ लेट्स फॉर द फिंगर पोजिशन. फिंगर पोजिशन बहुत आसान है, जैसे हमने पिछले एक्सरसाइज में की थी वैसे ही यहाँ पे भी होगी. 1 2 3 4 5, विल स्टार्ट विद 1 4 2 4 5 2 3 1. सिंपल तरीके से याद रखने के लिए सी से 5 उंगलियां यहां पर रख दीजिए, ये रख दी. अब जो नोट प्ले करना है उसके ऊपर जो भी उंगली है उसको दबा दीजिए, एज सिंपल एज दैट. देखिए अब यहां पर कौन जी प्ले करना है तो थंब यूज कर लिया, डी प्ले करना है तो फोर्थ फिंगर यूज कर लिया, फिर F प्ले करना है तो इंडेक्स फिंगर यूज़ कर लिया, फिर C प्ले करना है फिर से D आएगा तो अगेन ये वाला फिंगर. मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी 5 उंगलियाँ यहाँ पर मैंने रख दी और उसके नीचे जो भी नोट है और जो नोट मुझे बजाना है उसके ऊपर जो भी उंगली मैंने रखी है यहाँ पर वो मैं प्रेस कर दूंगा. अब सेम चीज ऐसे ही करेंगे, ए पे जाएंगे, दो नोट छोड़ के पीछे आए, फिर ए से एक नोट पीछे जाएंगे, देन जो नोट प्ले किया था वही प्ले करेंगे, फिर एक नोट यहाँ से पीछे जाएंगे, दो नोट छोड़ के आगे आए, फिर एक नोट पीछे गए और एक नोट छोड़ के आगे आए. इस तरीके से हमने एक्सरसाइज को प्ले कर लिया. अब मैंने क्या बताया, एक बार 10 मिनट वीडियो को पॉज करके याद कर लोगे उसके बाद ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा, ठीक है. मैं कितने सालों से पियानो सिखा रहा हूँ, मुझे पता है कि स्टूडेंट्स कहाँ स्ट्रगल करते हैं, इसलिए जहाँ पर स्ट्रगल करते हैं वो चीज़ मैं पहले ही मेंशन करता जा रहा हूँ इस वीडियो में. ऑलराइट, हियर वी गो. पूरी एक्सरसाइज इस तरीके से साउंड करेगी, आई विल गो वेरी स्लो, ध्यान से देखिए एंड ऑब्जर्व करिए.
इस तरीके से सेकेंड एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड एंड फाइनल एक्सरसाइज। और क्योंकि ये वीडियो की आखिरी एक्सरसाइज है, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल भी रेज करेंगे, क्योंकि एज मैंने प्रॉमिस किया था आपको इस वीडियो में कि ये एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद यू विल फाइंड अ मेजर डिफरेंस इन योर लेफ्ट हैंड। तो वो डिफरेंस क्रिएट करने के लिए कुछ तो चेंज करेंगे ना, ऐसे ही नॉर्मल एक्सरसाइज थोड़ी करेंगे, राइट? सो लेट अस फर्स्ट लर्न द नोट्स, फिर उसको प्ले करने में थोड़ा सा ट्विस्ट हम देखेंगे। ऑलराइट, सो द नोट्स आर वेरी सिंपल। स्टार्ट करेंगे सी से, एक नोट छोड़ के आगे बढ़ेंगे डी पे। सिंपल, सी से प्ले किया, एक नोट छोड़ के आगे बढ़े ई पे, फिर जो नोट छोड़ा है वहां से एक दो तीन चार, चार नोट आ गए। तो सी, एक नोट छोड़ के ई, फिर जो नोट छोड़ा है वहां से एक दो तीन चार, फिर एक नोट छोड़ के ई, फिर एक नोट छोड़ के सी। दिस इज हाउ वी कंप्लीट द नोट्स। सेम चीज डी से करनी है, तो डी प्ले करेंगे, एक नोट छोड़ के ई प्ले करेंगे, फिर जो नोट छोड़ा है वहां से एक दो तीन चार, एक नोट छोड़ के, एक नोट छोड़ के, इस तरीके से। लेकिन द मेन थिंग इज कैसे प्ले करना है। इसमें भी अगर मैं नॉर्मल से फिंगर पोजीशन दे दूंगा तो ये बहुत आसान एक्सरसाइज हो जाएगी, और आपको लगता है कि वीडियो के एंड तक आने के बाद आपको मैं आसान एक्सरसाइज बताऊंगा, इससे हार्ड तो पहली दो थी, राइट? तो अब द डिफिकल्ट पार्ट हियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पार्ट हियर इज द फिंगर पोजीशन दैट विल फॉलो फॉर दिस लेसन, राइट? अब करना क्या है, हमारे लास्ट फिंगर से हमें सी को प्ले करना है, विच इज द फर्स्ट नोट ऑफ आवर एक्सरसाइज। अब इसी के साथ हमारे थंब से हमें और एक सी प्ले करना है, विच इज इन द हायर ऑक्टेव, इस तरीके से। और दोनों को साथ में करेंगे, अब इसको लॉक कर देंगे, मतलब अगर हम डी प्ले कर रहे तो यहां पर भी डी प्ले करेंगे, इस तरीके से लॉक कर देंगे। अब पूरी सीरीज को प्ले करेंगे, सी ए डी ई एफ जी ई सी, इस तरीके से पूरे एक्सरसाइज को यहां से करेंगे और थंब से भी करेंगे, लेकिन दोनों को साथ में करना है, दोनों नोट्स साथ में बजने चाहिए, ठीक है? सो दिस इज हाउ द एक्सरसाइज विल साउंड। आगे तक जाता है, यहां पर उंगलियों में इस पूरे पार्ट पर पेन होगा एंड दैट इज गारंटेड, लेकिन उस पेन को थोड़ा सा बेयर करेंगे। अगर आप इस 70-80% एक्सरसाइज को सही से कर लेते, मतलब दिस मिस्टेक का मिस्टेक हो भी रही है, देन टू आप इस एक्सरसाइज को इस तरीके से प्रैक्टिस करिए, बिकॉज दिस विल अल्टीमेटली हेल्प यू इन प्लेइंग आर्पेजियोस व्हेन यू रीच द स्टेज ऑफ आर्पेजियोस। अब यहाँ पर भी अगर इस एक्सरसाइज को फॉलो करने के बाद भी आपको लग रहा है कि मुझे और डिटेल में सीखना है, या फिर हो सकता है कि लेफ्ट हैंड तो सीख लिया, अब कोऑर्डिनेशन कैसे करें, आरपेजियोस कैसे प्ले करें, फिर आरपेजियो पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कैसे करें, गानों को सुनकर कैसे निकालें, और भी टॉपिक्स फोकस सीखना है, जैसे मैंने बताया कि आप हमारे चैनल पर आए हो, इसका मतलब कि अब वो समय आ गया है जहाँ पर आपका सर्च खत्म होता है और आपको किसी भी टीचर को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिकॉज पिक्सेल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको इतना आसानी से पियानो सिखाया जाएगा जितना शायद आप ऑफलाइन क्लासेस में भी ना सीख पाए, राइट? तो हमने क्या किया, इसको और डिटेल में एंड और इजी तरीके से बनाने के लिए हमने एक कोर्स बनाया है। हमारे YouTube वीडियोस तो है ही, लेकिन अब YouTube वीडियोस में दिक्कत ये है कि आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा वीडियो मैं देखूं। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसके बाद वो वीडियो देखो, वो इसके बाद ये वीडियो देखो, क्योंकि वो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है? आप अपने लिए सिलेक्ट करोगे, तो अगर आपको पता होता कि इसके बाद ये सीखना है, इसके बाद वो सीखना है, या फिर इसके बाद ये प्रैक्टिस करना है, तो शायद आप पियानिस्ट बन चुके होते, राइट? एंड जस्ट बिकॉज यूर लर्निंग, शायद आप अपने लिए डिसाइड ना कर पाओ कि इसके बाद कौन सा वीडियो या इसके बाद कौन सा लेसन सही होगा, तो इसीलिए हमने एक पूरा डिटेल्ड कोर्स बनाया है जहाँ पर शुरू से लेके फ्रॉम अ वेरी बिगनिंग, जहाँ पर आपको पियानो के बारे में कुछ भी नहीं पता, वहाँ से लेके एंड तक एडवांस में जो भी टॉपिक आप सीखना चाहते हो, ईयर ट्रेनिंग हो गया, आरपेजियोस हो गया, आइडेंटिफाइंग योर ओन आरपेजियो पैटर्न्स, बिल्डिंग योर ओन आरपेजियो पैटर्न्स टू परफॉर्मेंस, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस कोर्स इन अ स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट, ठीक है? एक बार बस इस कोर्स को फॉलो कर लिया और कंप्लीट कर लिया, इस कोर्स में जो लेसन दिए गए उसे प्रैक्टिस करके खत्म कर दिए सारे लेसन को, तो आई गारंटी यू कि आप
ऐसे पियानिस्ट बन जाएंगे जो कि शायद अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। आप इतना ब्यूटीफुली, इतना एफर्टलेसली पियानो प्ले कर पाएंगे जिससे जब आप किसी के सामने प्ले करेंगे तो वो भी खुश हो जाएंगे और प्ले करके आपको भी खुशी मिलेगी। ठीक है, इस कोर्स में एनरोल करने वाले देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने ये ट्रांसफॉर्मेशन अचीव किया है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप खुद उनके रिव्यूज जाके पढ़ सकते हैं, वो कैसा प्ले कर रहे हैं वो देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको ऐसा प्ले करना है या फिर आपको भी ऐसा एक्सपीरियंस चाहिए, देन यू कैन चेकआउट अवर कोर्स, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दिस इज अ 14 आवर लॉन्ग प्री रिकॉर्डेड सेल्फ पेस्ड कोर्स जिसके साथ 250 पेजेस की डिटेल ई बुक भी आती है, ताकि पूरे कोर्स की समरी रहे, पूरे पियानो लर्निंग की समरी रहे। लाइफ टाइम में कभी भी वीडियोस को बार बार ना देखना पड़े, सिर्फ बुक को रिफर करते रहिए, इट्स लाइक अ रिवीजन। ठीक है, प्लस यू गेट 6 Q&A लाइव सेशंस विथ मी, ताकि आप अपने सवाल को मुझसे पूछ सके। ऑब्वियसली दिस विल बी ग्रुप लाइव सेशंस, लेकिन यू विल गेट चांस डायरेक्टली कनेक्ट विथ मी इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, राइट। प्लस इट कम्स विद अ 14 डेज नो क्वेश्चंस आस्क्ड रिफंड पॉलिसी। तो यार, इससे ज्यादा आपको और क्या चाहिए, राइट? ऐसा कोर्स अगर पूरे इंडिया में कहीं पे भी मिल जाए ना, तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में आके, आई विल प्रोवाइड यू दैट कोर्स फॉर फ्री। ठीक है, सो इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट करिए, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।